हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, पार्ट वन में हमने टॉपिक का चंदा बनाया था, ये हमारा पार्ट टू है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक का बॉर्डर बनाएंगे। टॉपिक है, बॉर्डर का डिज़ाइन कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और बनाने में बेहद आसान है, आप इजीली वीडियो देखकर बना सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने ये टॉपिक के चंदे वाली वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टॉपिक के चंदे की वीडियो देख सकती हैं। टॉपिक के चंदे की जो लेंथ है वो 6 इंच 2 mm है, 6 इंच 2 mm, और हमारी कंप्लीट टॉपिक की लंबाई 5.5 इंच है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई कढ़ाई पेंटिंग बुनाई और क्रोशिया की वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसकी पिक इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी भी बजा दें जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने टॉपिक का चंदा कम्प्लीट बना लिया था। अब हम टोपी की गहराई बनाएंगे। ये हमारा एक हाफ राउंड है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। एक डबल क्रोशिया बन गया हमारा, दो, तीन, दूसरे वाले हाफ राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 and 3। इसी तरह फ्रेंड्स हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक हाफ राउंड में से, और ये हमारी टॉपिक की गहराई आएगी इसी से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने हाफ राउंड में से। अब हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर। साइज वही है हमारा 1 mm। एक चेन बनाएंगे इस तरह से, 1 डबल क्रोशिया जंप करेंगे, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया जंप करेंगे, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, ये 1 डबल क्रोशिया जंप करेंगे, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह फ्रेंड्स हम इस राउंड को कंप्लीट बना लेंगे, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, 1 डबल क्रोशिया 1 चेन 1 डबल क्रोशिया 1 चेन का राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चंदे में 8 कलियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह बनाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी कली है इसके ऊपर की साइड यहाँ पर है, तो हम 1 स्लिप क्रोशिया बनाएंगे बैक साइड में इस तरह से, 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2। 2 डबल क्रोशिया हमने बना दिए हैं। अब हम 1 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स ये हम यहाँ तक बना लेंगे, इस वाली कली के ऊपर तक। 2 डबल क्रोशिया के बाद हमने 1 चेन 1 डबल क्रोशिया बनाया है, 12 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। हम दूसरी कली के ऊपर की साइड हैं। अब हम 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, 1 कॉलम हमारा ये है, नेक्स्ट वाले कॉलम में हम पोम पोम बनाएंगे, क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे धागा आ गया है, इस वाले स्क्वायर में से धागा खींचेंगे। अब हमारे क्रोशिया पे 3 धागा है, क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया, 4 धागा हो गए हैं, 5, 6, 7
आठ और एक नौ। अब हमारे क्रोशिए पे फ्रेंड्स नौ धागा हैं, क्रोशिया घुमाएंगे और सारे ही धागे को आपस में कंबाइन कर देंगे इस तरह से। अब एक चेन बनाएंगे, देखिए ये हमारा पॉम पॉम बन गया है। अब हम इसी तरह से जिस तरह हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरह से यहाँ तक एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे फ्रेंड्स, क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया है, नेक्स्ट वाले से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन एक डबल क्रोशिया, देखिए फ्रेंड्स पॉम पॉम बनाने के बाद हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया है। ये हमारे 12 डबल क्रोशिया बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। हम दूसरी गली की नोक पर हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम रिपीट करेंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी कली की नोक तक। देखिए यहाँ तक हम एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया है, हम दूसरी कली के नोक पर आ गए हैं। अब हम 4 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, अब हम पॉम पॉम बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। एक कली के ऊपर हम पॉम पॉम बना रहे हैं और दूसरी कली के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे सबसे पहले, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में से धागा खींचेंगे। हमारे क्रोशिए पे 3 धागे हो गए हैं, अब देखिए 4 हैं, 5 6 7 8 9। 9 धागे हैं हमारे क्रोशिए के ऊपर। क्रोशिया घुमाएंगे, धागा खींचेंगे, सारे ही धागों को कंबाइन कर देंगे इस तरह से। अब एक चेन बनाएंगे इस तरह से, ये हमारा पॉम पॉम दोबारा बन गया है। अब हम एक चेन और बनाएंगे और डबल क्रोशिए के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक कली के ऊपर हम पॉम पॉम बनाएंगे और दूसरी कली के ऊपर 4 डबल क्रोशिया और बीच में एक चेन एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले राउंड की शुरुआत में हमने 3 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम एक चेन बनाएंगे पहले और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे जिससे ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएं। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब ये जो हमारी 3 चेन थी ऊपर वाली साइड में स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अभी हमारे 4 डबल क्रोशिया के इक्वल बन गए हैं। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे, ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसमें बैक करके स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया है, ये जो हमारा बैक वाला कॉलम है इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा डबल क्रोशिया बन गया है। एक चेन बनाएंगे, एक और चेन बनाएंगे, 2 चेन बना दिए हमने, क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 डबल क्रोशिया हमने बना दिए हैं। एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया हमें यहाँ तक बनाने हैं। एक चेन एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम एक चेन बनाएंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में पॉम पॉम बनाएंगे। हमारे क्रोशिया पे 2 धागे हैं, 3 4 5 6 7 8
और एक नो। क्रोशिए पे इस वक्त नो धागे हैं, क्रोशिया घुमाएंगे और सारे ही धागों को कंबाइन कर देंगे और एक चेन बनाएंगे इस तरह से। दूसरा पोम पोम बन गया है हमारा, एक और चेन बनाएंगे। ये वाला कोर हम छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में से पोम पोम बनाएंगे। क्रोशिए पे तीन धागे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से। एक और चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिए के ऊपर डबल क्रोशिए बनाएंगे, इसी तरह आगे बनाते जाएंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, पोम पोम बनाने के बाद हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया है। ये हमारे 10 डबल क्रोशिया बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हमारे देखिए 4 डबल क्रोशिया हैं, उससे पहले ये 2 कॉलम है। तो अब हमें एक चेन बनाएंगे, ये वाला जंप करेंगे, नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। दो चेन बनाएंगे, 1, 2 क्रोशिया घुमाया, क्रोशिए पे धागा आ गया है। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 एक चेन एक डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे। पोम पोम से पहले पोम पोम बनाएंगे और पोम पोम के बाद पोम पोम बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया से पहले हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे बाद में। और जो हमारे बीच का डिज़ाइन है वो इसी तरह है, एक चेन एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने सेकेंड राउंड स्टार्ट किया था तो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसको हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी कॉलम में। ये हमारे राउंड का लास्ट है। देखिए 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं, एक स्लिप क्रोशिया बनाएंगे पहले डबल क्रोशिया को ऊपर इस तरह से। अभी हमारे 3 डबल क्रोशिया के इक्वल हो गए हैं। अब हम थर्ड राउंड शुरू करेंगे, स्लिप क्रोशिया बनाएंगे बैक में इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, बैक में स्लिप क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिए पे धागा आ गया है, थर्ड राउंड शुरू है हमारा। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये हमारे 3 डबल क्रोशिया के बीच का जो स्पेस है इसमें हम पोम पोम बनाएंगे। हमारे क्रोशिए पे 2 धागे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9 अब हमारे क्रोशिए पे 9 धागे हैं। क्रोशिया घुमाएंगे, धागे को सारे ही धागे में निकाल लेंगे और एक चेन बनाएंगे। ये हमारा पोम पोम बन गया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 क्रोशिया घुमाया, क्रोशिए पे ऊन आ गई है, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह यहाँ पर बने हुए थे, 1, 2 और 3 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। पोम पोम के बाद हमने 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए, आपको दूर करके दिखा देती हूँ। अब हम एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 2 पोम पोम आ गए हैं, उसके बीच में स्पेस है। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया है। ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 डबल क्रोशिया बने हैं। अब हम क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिए पे धागा आ गया है, पोम पोम के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर हम पोम पोम बनाएंगे। 3 धागे अब भी हमारे क्रोशिए पे, 4, 5, 6, 7
आठ और एक नौ रेशियो घुमाएंगे, सारे ही धागों को कंबाइन कर देंगे, इस तरह से एक चेन बनाएंगे। ये हमारा पोम पोम बन गया है। अब हम एक और चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फोर्थ राउंड करेंगे, बैक क्रोशिया बनाएंगे एक स्लिप तरह से। तीन डबल क्रोशिया से पहले जो स्पेस है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमारे तीन डबल क्रोशिया हैं, दो चेन है और एक पॉम पॉम है, दो चेन बनाएंगे। पॉम पॉम से पहले पॉम पॉम बनाएंगे। देखिए तीन धागे हैं हमारे क्रोशिया में, अब ये चार हो गए हैं, पाँच छः सात आठ नौ, हमारे क्रोशिया पे नौ धागे हैं, सबको कंबाइन करेंगे इस तरह से, दो चेन बनाएंगे, वन टू, दो चेन हमने बना ली है। अब हम पोम पोम से पोम पोम के बाद पोम पोम बनाएंगे। क्रोशिया पे दो धागे हैं हमारे, देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ, क्रोशिया पर हमारे नौ धागे हैं, नौ के नौ धागों को कंबाइन करेंगे, दो चेन बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हैं, उसके बाद जो स्पेस है उसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू एंड थ्री। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया है, टोटल ये हमारे 17 डबल क्रोशिया बने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन, 17 डबल क्रोशिया बने हैं ये हमारे। अब ये हमारे दो स्क्वायर है, तीन डबल क्रोशिया से पहले हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ राउंड हमारा हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम फिफ्थ राउंड बनाएंगे, बैक स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, तीन डबल क्रोशिया से पहले जो हमारा कॉलम है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह हम अपने राउंड की शुरुआत करते आ रहे हैं। ये हमारा फिफ्थ राउंड है, दो चेन बनाएंगे, वन टू, तीन डबल क्रोशिया के पास जो स्पेस है वहाँ पर पोम पोम बनाएंगे, हमारे क्रोशिया पे तीन धागे हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, सारे ही धागों को कंबाइन कर देंगे, एक चेन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सेवन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, और ये जो हमारा पोम पोम के बीच में स्पेस है वहाँ पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दोबारा से सेवन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, पोम पोम के बाद हम यहाँ पर पोम पोम बनाएंगे इस तरह से, क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया, दो धागे आ गए हैं, तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ, सारे ही धागों को हम कंबाइन कर देंगे, दो चेन बनाएंगे। अब तीन डबल क्रोशिया के बाद फ्रेंड्स तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, अब एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसी तरह ये बीच का डिज़ाइन बना लेंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया का,
देखिए फ्रेंड्स, तीन डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 15 डबल क्रोशिया बने हैं ये हमारे जाल के। अब हम तीन डबल क्रोशिया से पहले ये डिज़ाइन आ गया है हमारा, तीन डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। फ्रेंड्स अब हम सिक्स्थ राउंड बनाएंगे, फिफ्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। पहले वाले डबल क्रोशिया में बैक स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तीन डबल क्रोशिया से पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, राउंड की शुरुआत जिस तरह हम कर रहे हैं उसी तरह करेंगे। सिक्स्थ राउंड है हमारा, दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर पोम पोम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया के बाद। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। अब 9 धागों को कंबाइन कर देंगे इस तरह से, एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हम सेवेंथ चेन बनाएंगे जिस तरह बनाई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉम पॉम के बाद जो ये हमारी चेन है यहाँ पर हम स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर से 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 और यहाँ पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब दोबारा से 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 पॉम पॉम, एक चेन और तीन डबल क्रोशिया के बीच में हम पॉम पॉम बनाएंगे। क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया, हमारे क्रोशिया पे दो धागा हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9 9 धागों को कंबाइन करेंगे इस तरह से, दो चेन बनाएंगे। 1, 2 क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया, 3 डबल क्रोशिया एक चेन और एक डबल क्रोशिया के बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 and 3 देखिए हमारा जाल वाला डिज़ाइन आ गया है, एक चेन एक डबल क्रोशिया वाला, वही बनाएंगे एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 ये हमारे एक चेन एक डबल क्रोशिया 13 बने हैं। अब तीन डबल क्रोशिया से पहले हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा डिज़ाइन आ गया है। सिक्स्थ राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम सेवन्थ राउंड बनाएंगे। बैक स्लिप क्रोशिया हमने बना लिया है, तीन डबल क्रोशिया से पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह बनाते आए हैं। दो चेन बनाएंगे, दो चेन हमने बना ली हैं, तीन डबल क्रोशिया पॉम पॉम और दो चेन के बीच में हम पॉम पॉम बनाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9 अब हमारे क्रोशिया पे 9 धागे हैं, सबको कंबाइन करेंगे, चेन बनाएंगे, पोम पोम हमारी बन गई है। अब हम 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 यहाँ पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक स्लिप क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, दोबारा से 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 एक स्लिप क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब दोबारा से 7 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 7 चेन हमारी बन गई हैं। पोम पोम के बाद पोम पोम बनाएंगे, क्रोशिया पे दो धागे हैं हमारे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे ही धागों को कंबाइन कर देंगे।
अब दो चेन बनाएंगे, 1 2, तीन डबल क्रोशे के बाद तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। तीन डबल क्रोशे बना लिए हैं, अब हम एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशे के ऊपर फ्रेंड्स डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशे, इसी तरह हम यहाँ तक एक चेन एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तीन डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक चेन और एक डबल क्रोशे बना रहे थे, दूसरे डिज़ाइन तक हम आ गए हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये एक चेन एक डबल क्रोशिया 11 बने हैं हमारे। अब हम तीन डबल क्रोशिया से पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 7th राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम 8th राउंड बनाएंगे। फर्स्ट राउंड के बाद हमने ये तीन डबल क्रोशिया राइट साइड को टर्न किए हैं, देखिए अब हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ झुकाएँगे इस तरह से। तीन डबल क्रोशे के बाद जो हमारा स्पेस है वहाँ पर हम स्लिप क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो हमारा स्पेस है तीन डबल क्रोशे और पॉम पॉम के बीच में, इसमें दो डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। ये हमारे तीन डबल क्रोशे के इक्वल हो गया है, दो चेन बनाएंगे और पॉम पॉम के बाद पॉम पॉम बनाएंगे। हमारे क्रोशे पे 9 धागा हैं, 9 धागों की पॉम पॉम हमने बना ली है। पॉम पॉम फ्रेंड्स हमारी बन गई है, अब हम दो चेन बनाएंगे, क्रोशे घुमाएंगे, क्रोशे पे धागा आ गया है। ये जो हमारा हाफ राउंड है इसमें हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3, तीन डबल क्रोशे फ्रेंड्स हमने बना लिए हैं। अब हम दो चेन बनाएंगे और दूसरे वाले हाफ राउंड में से भी तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 mm साइज। देखिए दोबारा से दो चेन बनाएंगे और 9 धागों की पॉम पॉम बनाएंगे इस वाले हाफ राउंड में। पॉम पॉम से पहले पॉम पॉम बना रहे हैं अब हम। हमारे क्रोशे पे 9 धागे हैं, 9 धागों को कंबाइन करेंगे, दो चेन बनाएंगे, पॉम पॉम और तीन डबल क्रोशे के बीच में हम तीन डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी हमारे तीन डबल क्रोशे आ गए हैं, दो चेन बनाएंगे और ये जो हमारा तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह बनाते आए हैं, एक चेन और अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8th राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम 9th राउंड बनाएंगे। ये हमारी एक चेन तीन चेन का एक डबल क्रोशिया है और उसके बाद दो डबल क्रोशिया हैं। हम यहाँ पर पहले वाले डबल क्रोशिया पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद ये जो हमारा स्पेस है वहाँ पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम फिर से तीन चेन बनाएंगे जैसे स्टार्टिंग में बनाई थी हमने, 1 2 एंड 3, तीन चेन हमने बना ली हैं। अब यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 mm साइज, 1 2, दो डबल क्रोशिया बना लिए हमने फ्रेंड्स। ये जो हम तीन चेन बना रहे हैं ये हमारे एक डबल क्रोशिया के इक्वल है, देखिए। अब हम दो चेन बनाएंगे और पॉम पॉम के बाद हम पॉम पॉम बनाएंगे, देखिए 9 धागों की। हमारे क्रोशे पे 9 धागे हैं, 9 धागों को कंबाइन कर लिया हमने। अब दो चेन बनाएंगे पॉम पॉम, दो चेन बनाने के बाद ये जो हमारे तीन डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है वहां पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए, तीन डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं, दो चेन बनाएंगे और यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया के बाद पोम पोम बनाएंगे हम नौ धागों की। हमारे क्रोशिया पे फ्रेंड्स नौ धागे हैं, इनको कंबाइन करेंगे इस तरह से, दो चेन बनाएंगे और पोम पोम और तीन डबल क्रोशिया के बीच में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमारा जो तीन डबल क्रोशिया हैं, दो चेन बनाएंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रेंड्स हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा एक चेन एक डबल क्रोशिया का राउंड आ गया है, वही बनाएंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। नाइन्थ राउंड हमारा हो गया है, अब टेंथ राउंड हम इस तरह करेंगे, पहले दो डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम तीन डबल क्रोशिया के बाद एक स्लिप क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे फ्रेंड्स, वन टू थ्री, क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे धागा आ गया है, यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, ये हमारे दो डबल क्रोशिया बन गए हैं, दो चेन बनाएंगे, क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया है, दो धागे हैं ये, तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ, नौ धागों की पोम पोम बनाएंगे, दो चेन फ्रेंड्स, तीन डबल क्रोशिया हैं, दो चेन, उसके बाद पोम पोम है, यहाँ पर पोम पोम बनाएंगे नौ धागों की, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, कंबाइन करेंगे, दो चेन बनाएंगे, पोम पोम के बाद तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, तीन डबल क्रोशिया बना लिए हमने, दो चेन बनाएंगे, ये हमारे तीन डबल क्रोशिया आ गए हैं पहले राउंड के, तीसरे वाले डबल क्रोशिया पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमारा एक चेन एक डबल क्रोशिया का डिज़ाइन आ गया है, इसको इसी तरह बनाएंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, टेंथ राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम एलेवेंथ राउंड करेंगे, ग्यारहवा राउंड। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हैं, इस पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और उसके आगे जो स्पेस है वहाँ पर स्लिप क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, क्रोशिया घुमाएंगे, क्रोशिया पे ऊन आ गई हैं, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू, दो डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम दो चेन बनाएंगे, दो चेन हमने बना ली हैं, पोम पोम है, दो चेन है, फिर पोम पोम है, तो पोम पोम के बीच में पोम पोम बनाएंगे, हमारे क्रोशिया पे दो धागे हैं, नौ धागों की पोम पोम बनाएंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ, नौ धागों को कंबाइन करेंगे, दो चेन बनाएंगे, पोम पोम और तीन डबल क्रोशिया के बीच में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू एंड थ्री, दो चेन बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमें ये डिज़ाइन इसी तरह बनाना है, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, पोम पोम, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, लेकिन अब हमें ये चार पोम पोम वाला डिज़ाइन भी बनाना है, तो यहाँ तक हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया, देखिए एक चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन के बाद हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पोम पोम बना हुआ है, उसी के ऊपर हमें पोम पोम बनाना है नौ धागों का, हमारे क्रोशिया पे दो धागे हैं, तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ, दो चेन बनाएंगे,
अब हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चैन एक डबल क्रोशिया। अब हम इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर हमारा डिज़ाइन है वहाँ पर इसी तरह डिज़ाइन बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया दो चैन, पोम पोम दो चैन तीन डबल क्रोशिया, उसके बाद हम एक डबल क्रोशिया एक चैन का डिज़ाइन बनाएंगे, और जहाँ पर ये हमारी पोम पोम बनी हुई है उसी के ऊपर हमें ये पोम पोम बनानी है। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 11th राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम 12th राउंड बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया के ऊपर पहले स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और एक स्लिप क्रोशिया स्पेस में बनाएंगे। अब तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3, क्रोशिया घुमाया क्रोशिया पे धागा आ गया है, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2, दो चैन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पोम पोम दो चैन और तीन डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब पोम पोम नहीं बनाएंगे, 1 2 एंड 3, तीन डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं, दो चैन बनाएंगे, और तीसरे वाले डबल क्रोशिया पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चैन एक डबल क्रोशिया, पॉम पॉम तक हम यही बनाएंगे। 12th राउंड फ्रेंड्स हमें ऐसे ही बनाना है, तीन डबल क्रोशिया दो चैन तीन डबल क्रोशिया, उसके बाद हमें ये एक चैन एक डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन बनाना है जाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये हमारी पोम पोम आ गई है, उसके पहले जो स्पेस है दो चैन बनाएंगे, और यहाँ पर हम पोम पोम बनाएंगे नौ धागों की, 3 4 5 6 7 8 और 1 9, हमारे क्रोशिया पे फ्रेंड्स नौ धागे हैं, कंबाइन करेंगे जोड़ेंगे और दो चैन बनाएंगे, पोम पोम के बाद फिर पोम पोम बनाएंगे नौ धागों की, 3 4 5 6 7 8 और 1 9, नौ धागों को कंबाइन करेंगे दो चैन बनाएंगे। इस तरह हमने यहाँ पर बनाई थी ना ये पोम पोम, उसी तरह बना रहे हैं हम ऊपर। फ्रेंड्स ये राउंड हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, तीन डबल क्रोशिया दो चैन तीन डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चैन एक डबल क्रोशिया का डिज़ाइन, पोम पोम से पहले पोम पोम बनानी है और पोम पोम के बाद पोम पोम बनानी है। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 12th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम 13th राउंड करेंगे, 13वां राउंड। ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हैं, तीसरे वाले पे स्लिप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, उसके बाद जो स्पेस है उसमें स्लिप क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन बनाएंगे, 2 3 क्रोशिया घुमाएंगे क्रोशिया पे धागा आ गया है, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, 1 2, दो चैन बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स अब हम एक चैन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स पहले हमने तीन चैन बनाई दो डबल क्रोशिया बनाए दो चैन एक डबल क्रोशिया, उसके बाद हमने एक चैन एक डबल क्रोशिया बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बाद 10 डबल क्रोशिया बने हैं ये हमारे, और ये दो पोम पोम है, दो पोम पोम के बीच में हम एक पोम पोम बनाएंगे जिस तरह हमने शुरुआत में बनाया था, नौ धागों की क्रोशिया पे हमारे दो धागे हैं, 3 4 5 6 7 8 और 1 9, नौ धागों को कंबाइन करेंगे दो चैन बनाएंगे, अब एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, हमें तीन डबल क्रोशिया के बीच में तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, उसके बाद जाल बनाना है एक चैन एक डबल क्रोशिया का, और दो पोम पोम के बीच में एक पोम पोम बनाना है। देखिए फ्रेंड्स 13 राउंड में हमारा टोपी का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं तीन डबल क्रोशिया से हमने शुरुआत की थी, लास्ट में हमारे तीन डबल क्रोशिया ही बने हैं, और इधर ये पोम पोम वाले डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम 14 राउंड इस तरह करेंगे जिस तरह हमने शुरुआत में एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाया था, 1 mm साइज़ के अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चैन
एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, एक चैन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 14 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने एक चैन एक डबल क्रोशिया बनाया है पूरे ही राउंड में, आप देख सकते हैं। अब हम डबल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे, पहले 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ गया है, क्रोशिया घुमाया, क्रोशिया पे धागा आ चुका है। अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारे एक चेन का स्पेस है इसमें से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। टोटली फ्रेंड्स हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चेन में से बनाना है डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया को ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशिया का राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागे को काटेंगे। फ्रेंड्स हमारी टोपी कंप्लीट बुनी गई है, आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन देखने में कुछ इस तरह लग रहा है। काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी टोपी बनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको टोपी का डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।